22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन राम की नगरी अयोध्या में एक राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके लिए अभी से ही कई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उसमें आने वाले अतिथियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे इंतजाम अभी से शुरू किए जा चुके हैं। अब इस पे और क्या क्या काम किए जा रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका TV24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। मुकेश जी, अभी ये 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें किस तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस पूरे आयोजन में कैसे हम लोगों को जोड़ें, किस तरीके से यहाँ पर सुव्यवस्था स्थापित की जाए ताकि आने वाले लोगों को एक सुखद अनुभव हो सके, इस दृष्टि से जो एकोमोडेशन है इसके लिए काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की है, क्योंकि अयोध्या में तो इतने ज़्यादा एकोमोडेशन नहीं है, तो आसपास के जो जगह हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे उस तरफ गोरखपुर बस्ती हो, इन चारों तरफ जितने भी अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर होटलों में या वहाँ के गेस्ट हाउसेस में आसानी से जगह उपलब्ध हो सके, इसको भी ध्यान में रखा गया है। जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट से उनकी सुविधा होगी, लोग चूँकि बाय एयर आएंगे, फिर ट्रेनों से आएंगे, बाय रोड भी आएंगे, तो इस सब को देखते हुए वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पार्किंग की सुविधा, वहाँ पे शौचालय, पानी, समय सड़कों को जो चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि वहाँ पर आवाजाही अच्छी हो, और इस समय पूरी की पूरी अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम चल रहा है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश भर में एक उत्सव का आयोजन हो, इसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या में मकर संक्रांति से लेकर के 22 जनवरी तक संपूर्ण प्रदेश में अलग अलग जो राम मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर है, हनुमान मंदिर है या और अन्य मंदिर हैं जो आध्यात्मिक और धार्मिक पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर रामायण कथा वाचन, रामायण का पाठ, रामचरितमानस, अखंड रामायण का आयोजन, ये सारी की सारी होंगी और भजन संकीर्तन के माध्यम से भी कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। इसके अलावा अयोध्या में 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर के होली के उत्सव तक हम लोग लगातार प्रतिदिन अलग अलग वेन्यूज़ में राम कथा वाचन, साथ ही साथ वहाँ पर रामलीलाओं का आयोजन, रामलीलाओं के आयोजन के लिए देश विदेश से बहुत सारी रामलीलाओं को हमने आमंत्रित किया है, और साथ ही साथ जो नृत्य गायन इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आसानी से कैसे लोगों को हम भगवान श्री रामचंद्र जी के आदर्शों को, मूल्यों को, मर्यादाओं को पहुँचा सकें और लोगों के मध्य इसका शिक्षा कैस तरीके से दे सकें, जागरूक कर सकें, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से परिकल्पना के साथ साथ जो है इसको उतारा जाने वाला है जी। अच्छा मुकेश जी, ये भी चीज़ जानी जा रही है कि जो वहाँ पे VIP एंड VVIP जो गेस्ट आने वाले हैं, उनकी एंट्री के लिए भी खास एक तरीके की एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखी गई है, जो एक लिंक के माध्यम पहले उनको लिंक भेजा जाएगा और लिंक पे क्लिक करने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो प्रोसेस क्या है पूरा वो बताइए। देखिए, राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा लोग आमंत्रित किए जाएंगे, क्योंकि राम मंदिर जो है वो राम जन्मभूमि न्यास और उनकी संपत्ति है, यद्यपि सारे लोगों को वो अपने अपने तरीके से आमंत्रित करेंगे, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका जुड़ाव है और देश विदेश से सभी जगह से आने वाले हैं, प्रशासन और राज्य सरकार इसमें लगातार जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पूरे कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, तो लखनऊ से लेकर के पूरा अयोध्या तक का मार्ग, उसके दोनों तरफ एक अच्छा जो माहौल है वो रहे और लोगों को पूर्ण रूपेण सुरक्षा व्यवस्था महसूस हो, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे जो उनका आयोजन है उसमें जब लौट करके जाएँ लोग तो उनको एक सुखद अनुभूति हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे, ताकि और लोगों को वो फिर बता सकें कि यहाँ पर किस तरीके से जाया जा सकता है और कैसे वहाँ पर दर्शन लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
और मुकेश जी, जैसे बोला जा रहा है कि 15 से 22 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे, तो उसमें कुछ अलग अलग कार्यक्रम को लेके कुछ ऐसा बनाया गया है कि इस दिन ये कार्यक्रम होगा, उस दिन अलग कार्यक्रम होगा, तो ऐसी कोई लिस्टिंग भी तैयार की गई है? बिल्कुल, अभी मैंने बताया ना, रामोत्सव हम नाम दे रहे हैं इसको जी। रामोत्सव में अलग अलग वेन्यूज होंगे, अलग अलग वेन्यू में कहीं रामलीला का आयोजन होगा, कहीं पर राम कथा वाचन चलेगा, कहीं पर जो भजन संध्या स्थल है वहाँ पर भजनों का आयोजन होगा, राम कथा पार्क है वहाँ राम कथा का मंचन होगा, और इसके अतिरिक्त जो अन्य स्थल हैं उन स्थलों पर जो सांगीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो लगातार चलती रहेंगी। अच्छा, और ये भी बोला गया है कि आम जनता के लिए कुछ अलग दिन निर्धारित किए गए हैं जब वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे, तो वो कब से रहेगा? भाई 24 जनवरी से आम जनता के लिए पूर्ण रूपेण खुल जाएगा, है ना, क्योंकि 22 तारीख को स्वाभाविक तौर पे जो इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए जाएंगे तो आम जनता के लिए वैसे भी वह बहुत जो है सुविधाजनक नहीं होता है ऐसे समय पर पहुँचना, इसलिए 24 के बाद में आराम से आएंगी जनता और वे अपना दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे जी। और आपने जैसे बताया कि उन लोग के रुकने की व्यवस्था की गई है और जो आम जनता की एंट्री की भी है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई शुल्क निर्धारित किया गया है एंट्री करने के लिए और दर्शन करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? और जो अतिथि आएंगे तो वो किस तरीके से रुकेंगे, उनकी व्यवस्थाएँ के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया ये राम मंदिर न्यास है, वो करेगा सारी व्यवस्था मंदिर के अंदर का जी। तो अभी जो पब्लिक की एंट्री होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या एंट्री राम मंदिर न्यास तय करेगा, है ना, उन्हीं को करना, राम मंदिर न्यास ना, मंदिर का जो भी ट्रस्ट और एरिया है वो सब राम मंदिर न्यास का जी। तो हमने अभी पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी से बात की, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे एक राम मंदिर न्यास वहाँ पे तैयार किया गया है जिसके माध्यम से सभी कार्यक्रम और जो भी चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ होनी है उन्हीं के निर्देशानुसार वहाँ पे तय की जानी है। फिलहाल वहाँ पे आने वाले अतिथियों के लिए रहने के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, साथ ही साथ उनके सुरक्षा को देखते भी कई व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, और ये कार्यक्रम 15 से 22 जनवरी तक लगातार चलेगा जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं श्वेता गर्ग, TV24 लखनऊ।